जा रही हूँ लहंगा, इसी के बारे में है आज को वीडियो, क्योंकि आज मैं लहंगा दिखाने वाली हूँ आपको, मैं कैसा कैसा लहंगा बनाई हूँ, तो वो आपको मैं दिखाने वाली हूँ। एक तो ये देख लो, मैं झलरी का लहंगा बनाई हूँ, ये वाली ड्रेस, ये झलरी का लहंगा है, ये बेल है और ये ओढ़नी जाएगी इसके ऊपर, आप देख ही सकते हो। इसमें तो इतना घेरा बहुत ज्यादा, क्योंकि 8 मीटर में तो बहुत ज्यादा घेरा, और ये है इसके ऊपर ओढ़नी, आप देख सकते हो कितनी प्यारी लग रही है ये ओढ़नी। ये ओढ़नी पड़ी मेरे को 700 रुपए की, और ये लहंगा पड़ गया मेरा 1500 रुपए का, क्योंकि इसकी कढ़ाई बाहर कपड़ा लेके सिलाया और फिर बाहर कटवाया, तो ये 1500 रुपए का पड़ गया लहंगा। और आप देख सकते हो ओढ़नी पड़ गई मेरी, ओढ़नी की कढ़ाई देखो कितनी प्यारी है, बहुत अच्छी लग रही है, और ये ओढ़नी बहुत अच्छी है, लेकिन खराब भी नहीं होगी, इसकी कढ़ाई बहुत प्यारी है, आप देख सकते हो कितनी प्यारी कढ़ाई है इसकी, बहुत अच्छी कढ़ाई है, तो ये कभी खराब नहीं होगी। और अब चलते हैं लहंगा के ऊपर, मैं दिखाती हूँ कौन कौन से लहंगा दिखाती हूँ आपको। तो सबसे स्टार्टिंग करते हैं हमें इस लहंगा से, ये वाला लहंगा है हमारा कॉटन का, ये देख सकते हो, ये पाइपिंग में पाइपिंग लगा के बनाई हुई ये लहंगा, ये देख सकते हो आप लोग, ये देख सकते हो पाइपिंग वाला, पाइपिंग लगा के बनाई हूँ। और इसकी फिनिशिंग देख सकते हो आप लोग कितनी प्यारी है, ये देख सकते हो फिनिशिंग बहुत अच्छी है, हाई वो आपको अच्छे से दिख रहा होगा, ये थोड़ा बहुत कैमरा प्रॉब्लम तो मैं ठीक कर देती हूँ, ये देख सकते हो अच्छे से दिखेगा आपको, मैं तो नहीं देखूंगी लेकिन ये अच्छे से दिखेगा लहंगा आपको, ये देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा। और घेर तो आप देख सकते हो कितना ज्यादा घेर है इसमें, बहुत ज्यादा घेर है, ये देख सकते हो बहुत ज्यादा घेर है, और लहंगा बहुत प्यारा है ये, बहुत अच्छा है। अगर आप लोगों को इसमें से कोई भी लहंगा अच्छा लगता है तो आप स्क्रीनशॉट लेके बनवा सकते हो, या अगर मेरे से बनवाना चाहते हो तो आप ऑर्डर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरे से बनवा सकते हो, मैं कपड़ा लेके बना दूंगी। तो आपको मैं बता देती हूँ ये कपड़ा मेरा कितने रुपये मीटर पड़ा है, ये कपड़ा पड़ा है 120 रुपये मीटर, ये कॉटन वाले कपड़े 120 रुपये मीटर, अब महंगा कर दे तो 120 रुपये मीटर आ रहे हैं कपड़े। तो ये देख सकते हो ऊपर में पाइपिंग लगाई, ऊपर प्लेट डाल के बनाई हूँ और नीचे ये पट्टी बनाई हूँ, देख सकते हो कितनी फिनिशिंग के साथ आ रही है। आपको लग रहा है उसमें इन दो कलर, क्योंकि इसमें गठ रहता है ना कपड़ा, तो मैंने इसलिए दूसरा कलर लगा दिया एक साइड, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो नीचे रहता है। पाइपिंग हमारी एक कलर की है, पाइपिंग में कोई दो कलर नहीं है, और आपको पाइपिंग पूरी एक कलर की मिलेगी, घेर तो आप देख सकते हो। चलते दूसरा लहंगा दिखाती हूँ आपको पाइपिंग वाला ही, ये देख सकते हो ये वाला भी हमारा पाइपिंग वाला है, इसकी सिलाई की दोनों की वीडियो मैंने डाल रखी है, इसकी भी डाल रखी है वीडियो, सिलाई की इसकी भी डाल रखी है, मैंने कैसा सिला है वो सब कुछ मैंने डाल रखा है। तो ये देख सकते हो, ये देख सकते हो कितना प्यारा है और कितना घेरा है इसमें, बहुत ज्यादा, ये देख सकते हो बहुत ही ज्यादा घेरा है इसमें, और बहुत ही ज्यादा प्यारा लहंगा है, पूरा 9 मीटर घेर का लहंगा है ये, आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा लहंगा है। और ऊपर भी इसमें वही पैटर्न है इसका, इसमें भी वही पाइपिंग लगा के बनाई हूँ, ये देख सकते हो ऊपर पाइपिंग है इसमें और नीचे भी ये पाइपिंग निकाली हूँ, ये देख सकते हो आप, ये भी पूरा फिनिशिंग के साथ बना है बिल्कुल एकदम, ये पिंक कलर की पाइपिंग लगा रखी हूँ। और आपको मैं बता दी इस पर ओढ़नी कौन सी चलेगी, इसमें पिंक कलर की ओढ़नी चलेगी, क्योंकि पिंक की तो प्रिंट आ रही है हल्की, और ये पिंक कलर की ये पाइपिंग है इसमें, और नीचे वाला मैं बता देती हूँ आपको, इस रेड कलर की जैसे पाइपिंग है ना, इसी कलर की ओढ़नी चलेगी। तो आप चाहे चुनरी ले सकते हो, चाहे आप लुगड़ी ले सकते हो, आपकी जो मर्जी हो आप ओढ़ सकते हो, नहीं तो पानी वाली लुगड़ी भी अच्छी लगती है इसके ऊपर, हल्के कम फूल रहते थे, और चुनरी भी अच्छी लगेगी इस पर, तो आपकी जो मर्जी आप वो ओढ़ सकते हो, लेकिन मेरा हिसाब से तो यही है, अगर आप इस पर चुनरी लेना तो चुनरी सबसे प्यारी लगेगी इस पर। और आप लोग कमेंट करके बताना कौन सा लहंगा पर कौन सी ज्यादा अच्छी लगेगी, क्योंकि मेरा डिमांड ज्यादा सही नहीं है, आप लोग कमेंट करके बताना स्क्रीनशॉट पे भाई कौन सा लहंगा पर कौन सी ज्यादा अच्छी लगेगी। आप लोग मेरे पास बनवाएंगे ये लहंगा और स्क्रीनशॉट लेके भेज दोगे तो मैं आपको उसी प्रकार की चुनरी ला के दे दूंगी, जैसे आप बताओगे मैं वैसे ही ला के दे दूंगी, अगर आपको चाहिए तो, नहीं तो आप किसी भी टेलर से बनवा लेना, जैसे आपके शॉप पर आसपास कोई टेलर है तो आप किसी से भी बनवा लेना, ऐसे कलर का लहंगा कपड़ा लेके बनवा लेना, कोई और कलर ले लेना, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ आपके मतलब दिमाग में चल रहा है कौन सा लहंगा ले कौन सा लहंगा ले। चलते हैं मैं दूसरा लहंगा दिखाती हूँ आपको, ये घेर देखो, घेर का तो नीचे तक लटक रहा है पूरा, देख सकते हो बहुत ज्यादा घेर है, ये देख सकते हो घेर का तो आप सोच ही नहीं सकते इतना ज्यादा घेर हो चुका ना, बहुत ज्यादा, ये देख सकते हो, ये देख सकते हो, ये आ गया अपना दूसरा लहंगा, ये देखो कितना प्यारा लहंगा है यार, बहुत भारी लहंगा है,
देख सकते हो आप लोग, सारी पार्टी लाइक फुल घेर है। कितना तो घेर है इसमें, आप पहले घेर देख लो कितना घेर है। और ये देख सकते हो ये दो कलर का पट्टा बना है इसमें, एक तो ये दूसरा कलर है प्रिंट में, और ये दूसरा कलर इसका कलर है। तो आप इसमें ओढ़नी, आपको लग रहा होगा कौन सी ओढ़नी ओढ़नी है इस पर, तो जैसे प्रिंट में चल रही है ना आजकल ओढ़नी, वही ओढ़नी ज्यादा बेस्ट लगेगी इस पर, क्योंकि वही ट्रेंडिंग में चल रही है बहुत ज्यादा, तो वही ओढ़नी ज्यादा बेस्ट लगेगी और अच्छी भी लगेगी। लेकिन उससे बहुत ही ज्यादा लुक आएगा और ब्लाउज भी इसमें से ही बनेगा इसका। और इसका वही देख सकते हो आप लोग, ये देख सकते हो ये पट्टा देखो कितने फिनिशिंग के साथ बना है, बहुत प्यारा पट्टा बना है इसका। और सिलाई बहुत ही ज्यादा फिनिशिंग के साथ मिलेगी आपको, मेरी जेडी सिलाई होती है वो फिनिशिंग के साथ होगी। तो अभी तक मैंने इसको वीडियो नहीं डाली अब तक फिटिंग को, स्टिचिंग को, तो आप यूट्यूब चैनल पर डालूंगी तो आप देखना जाके, अभी तो नहीं डाला है लेकिन कल निकल जाएगा, ये बाद में डालूंगी, पहले उसी को डालूंगी मैं, तो आप देखना कैसे मैंने सिलाया है, कैसे काटा है, कितना कपड़ा हम बनाया, सब कुछ आपको पता लग जाएगा अगर आप खुद सिलते हो तो। और आपको सिलने में भी बहुत हेल्प होगी, और कहीं बाहर बनवाओगे उसमें भी आपको बहुत हेल्प होगी, क्योंकि कपड़ा बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है, कॉटन का कपड़ा है और बहुत ही अच्छा है। तो आप लोग कमेंट करके बताना इस पर ज्यादा कौन सी ओढ़नी कौन सी ज्यादा अच्छी लगेगी, मेरे हिसाब से तो वही ज्यादा अच्छी लगेगी, और आपका हिसाब से आप लोग बताना कौन सी ज्यादा ओढ़नी ज्यादा अच्छी प्यारी लगेगी इस पर। मेरा हिसाब से तो अगर एक डिमांड हो आपकी तो इस कलर में भी चल जाएगी ओढ़नी, इस कलर में भी। और लुगड़ी लेना चाहे तो आप लुगड़ी बोल सकते हैं, लुगड़ी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी, मेरा कहना तो यही दोस्तों को वही ज्यादा अच्छी लगेगी इस पर। चुनरी या पानी वाली वो आती है ना हल्की में, ये लुगड़ी या फिर चुनरी अच्छी लगेगी जो प्रिंट में आती है, जिसमें सतरंगी आती है उसमें बहुत सारा कलर रहता है जैसे लहंगा में कलर है वैसे, वही ज्यादा प्यारी लगेगी। तो आप लोगों को मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, आप लोग मतलब सिलाई में हर चीज में बहुत हेल्प हो रही होगी, लेकिन आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे बिल्कुल। तो गाइस सपोर्ट करो मेरे वीडियो, ज्यादा शेयर करो, लाइक करो और कमेंट करके मुझे जरूर बताओ मेरे वीडियो में कौन सी कमी रह रही है, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे बिल्कुल भी सब्सक्राइब नहीं बढ़ रहे हैं, वीडियो अच्छे से चल रही है। तो आप लोग सपोर्ट करो गाइस ज्यादा से ज्यादा, आप लोगों के लिए तो मैं वीडियो बना रही हूँ, जो भी बना रही हूँ सब कुछ आपके लिए है, अगर आप लोग मेरा सपोर्ट नहीं करोगे तो फिर कैसे काम चलेगा। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा मुझे शेयर करो, मेरी वीडियो लाइक करो, कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि क्या कमी रह गई मेरी वीडियो में, इसलिए मेरी वीडियो ज्यादा नहीं चल रही है, क्यों नहीं चल रही है आप लोग, अगर आप लोगों मुझसे कोई मतलब देखते हो तो। और मेरी वीडियो पूरी देखा करो फ्रेंड, बीच बीच में कट करके देखोगे तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, अगर मेरी वीडियो पूरी देखोगे तो एक मिनट तो आपको दूसरी में समझ में आ ही जाएगा पक्का, कहेंगा कैसे काटते और कैसे बनाते। अगर आपको समझ में ना आए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, मैं उसके बारे में जरूर वीडियो बनाऊंगी। हाय हो, मेरी वीडियो आज की आपको बहुत अच्छी लगी होगी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।